मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का भिखारी रहता था। जग्गू के दो बच्चे थे, राजू और मिनी। पापा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा एक समृद्ध व्यक्ति थे। उन्हें एक बार जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकाला जा सकता था। पिताजी जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले पूरे शहर में पनीर बेचा करते थे। पनीर बेचकर मेरे पिता काफी अमीर हो गए। लेकिन फिर एक दिन गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के बारे में पता चल गया। भूपेंद्र, मैंने सुना है कि तुम्हें जंगल में कोई पनीर घर मिला है। हाँ मुखिया जी, मिला है, और उसी से मैं इतना अमीर हो पाया हूँ। अब दौलत के मामले में कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। पूरी तहसील में जितनी भी डेयरियां हैं उन सबको मैं ही पनीर सप्लाई कर रहा हूँ। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुमने मुझे बिना बताए जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने पिताजी से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि पिताजी गांव के आसपास ही मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांग कर काम चलाते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। पिताजी, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी किसी दिन जग्गू के परिवार की बहुत बुरी हालत हो जाती। पिताजी, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस दिन जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुँचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू हूँ। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया। चला जा यहाँ से, वरना अभी अपने नौकरों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेरी मेहरबानी समझ। इससे पहले कि मुखिया अपने आदमियों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला डालकर अपने आदमियों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में घुस गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस दिन जग्गू के परिवार का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो अचानक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे डर के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके आदमी डंडे लेकर खड़े हुए थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की? सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देख कर आ रहा हूँ। नौकरों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों नौकर जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने पिता को इस तरह पिटते हुए नहीं देख पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के आदमियों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! पिताजी, जल्दी भागिए। तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की तरफ भागे। मुखिया के दोनों आदमी उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहाँ तक भागेगा?
तुझे और तेरे बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुखिया के दोनों आदमी घायल शेरों की तरह जग्गू और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए पापा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे नहीं बच पाएंगे। तभी अचानक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर दिखाई दिया। तीनों लोग पनीर के घर में घुस गए। इससे पहले कि मुखिया के आदमी पनीर घर तक पहुंचते, पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का स्वागत है। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पुराने पनीर घर हो जो मेरे पिताजी को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से मना किया था, मेरे द्वारा कमाई गई दौलत का दिखावा मत करना। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ पता चल गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे बारे में पता चल गया और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती मत करना जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बिना बताए किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे पहले जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है पिताजी, लग रहा है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर बेचने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही बेचेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों अपना सिर घायल कराकर चले आए और कह रहे हो कि वे तीनों अचानक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने आदमियों को जंगल के बाहर पहरे पर लगा दिया। मुखिया के आदमियों ने देखा कि जग्गू, राजू और मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछली बार तो वो पनीर घर ना जाने कहां गायब हो गया था, इस बार मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगले दिन जैसे ही जग्गू का परिवार जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई, लगता है तू मेरे साथ चालाकी कर रहा है। नौकरों, इसके बच्चों को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। नौकरों, इन लोगों को पेड़ से बांध दो, हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर पहुँचे, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके आदमी पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, मेरी सांस रुक गई है, मेरा दम घुट रहा है। पहले जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के परिवार को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी भी नहीं ढूंढोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी आदमी को परेशान नहीं करूंगा, मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके आदमियों ने जग्गू, राजू और मिनी को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी मेरे दोस्त, पर अब जब तूने शादी कर ही ली है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तू तो जानता ही है कि किस हालात में मेरी शादी हुई है। अगर शादी नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। अरे इरफान, तू शवारमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शवारमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ही ना, वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दूंगा, तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्द ही मेरे शवारमा की दुकान लगेगी, उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसा कर्ज लेकर इरफान ने शवारमा की मशीन खरीदी। वो मकबूल से ही चिकन लेने गया और उसकी शवारमा की दुकान शुरू हो गई। अरे भाई, एक शवारमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शवारमा की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी थी। स्वाद तो बहुत अच्छा है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े चाव से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, इसमें से 2,000 रुपए हमारे घर के खर्च और सामान के लिए रखता हूँ और 2,000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही मकबूल भाई के सारे कर्ज चुकता हो जाएंगे। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्जे की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। जी भाई, उम्मीद है ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती थी। एक शौरमा देना, मुझे भी दो गार्लिक शौरमा पार्सल, मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते रहते थे, कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर दिन रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बहुत खुश था। जुबेर रोज इरफान के दुकान पर भीड़ देखा करता था। शोरमे के बिजनेस में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शोरमे का बिजनेस डालना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शोरमा बेचता है, मुझे इससे कम दाम में बेचना होगा, तभी लोग मेरा शोरमा खरीदेंगे। जुबेर गणित करने लगा कि वो कैसे शौरमा का दाम घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की खोज में जुबेर कई चिकन की दुकानों पे गया, सभी जगह उसे वही दाम मिल रहा था। आखिर वो अकरम की शॉप में गया। अकरम बेईमान किस्म का आदमी था। अरे भाई, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, पर दाम नहीं परवाह रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तू मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले, मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो से मिलेंगी। पर मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बोतलों में मरी हुई मुर्गियाँ ही तो जाती हैं। किसी का बाप नहीं समझ सकता कि जो मुर्गियाँ वो खा रहा है वो जिंदी काटी गई है या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाई कुछ नहीं होता, वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं, तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीदी और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली।
जुबैर ने बड़े से फलक पर दाम लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का सस्ता दाम देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए। पर अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा स्वाद नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए में शौरमा परवड़ रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो लोग हमेशा खाते हैं, वो तुम्हारे ही पास लौटेंगे भाई, तुम फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उस दिन इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमे की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए का बेच रहा है, इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है भाई, जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, पर कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा, क्या ये अकरम एक नंबर का बेईमान है? ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गी का मांस सस्ते में बेच रहा है, पर ये तो अच्छा नहीं है, लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का ऑफिस है जहां फूड की कंप्लेंट की जा सकती है। हमें फूड इंस्पेक्टर ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिस गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर के बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमा की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। सर, कुछ सेटलमेंट करते हैं। तू लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल्स लिए और टेस्ट किए। सर, ये चिकन खाने के लायक नहीं है, इसे खाने से सेहत बहुत जल्द खराब हो जाएगी, इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी का पता चल गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई थी और लालची शौरमा वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती होती है वो अच्छी नहीं होती है। लखनपुर नाम के गांव में सुषमा अपने बच्चे और अपने पति राम दुलार के साथ रहती थी। सुषमा का पति अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी। इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भांजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और कपटी किस्म का इंसान था, हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला, आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं, आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भैया, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो, जाओ अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। आंटी, ये देखिए, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है, मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है और रात को थक हार कर अपने पति राम दुलार से जाकर सारी बात बताती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा। जी करिए, और जल्दी करिए, दिन ब दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है।
राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है, मैं अब अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक घर आऊँगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी चिंता मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण देर रात को आया और अपने मामा राम दुलार के जमीन के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए, मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उसके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों की वजह से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ा लेट जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपनी जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी पड़ेगी, इसी ने मेरी जमीन मुझे हाथ आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरे दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ, पूरी जलेबी तहस तहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी मुझे गर्मा गर्म जलेबी दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा ने अनजाने में ही वो पनीर मिलाए हुए जलेबी को बना कर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने, मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबी मांगी थी और आप तो मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बहुत खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही हैं। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी मैंने भी, और हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों के जिद और उत्सुकता की वजह से सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए प्रकार की बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है लेकिन बड़ी स्वादिष्ट है। और उनके जलेबी खाने के पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ खाओ खाओ, इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है, आप सब जलेबी खाइए। और जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है, जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये जलेबी बहुत शानदार है, आज से आप अपनी दुकान का नाम बदल कर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा मुनाफा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने, ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है, वो हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सबने मेरा कमाल। सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी, तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पर आ जाएं, है ना? सुषमा हमें ये बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए, करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा,
मामा जी, आपने तो मुझे कोई जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दें। और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आकर दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा। लेकिन करण के दोस्त, जिनके साथ वो आवारा गर्दी किया करता था, वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। और उनमें से एक जिगरी दोस्त उससे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात ना मानने पर करण के दोस्त को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी दुकान में षड्यंत्र रचता है और एक बाबा को लेकर उसकी दुकान में टोटका यानी काला जादू करवा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान पर लगा देता है। अब आएगा मजा, जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये ताबीज कैसी लगता है, सुषमा ने यहाँ पर रख दी, मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए, यानी कि उस काले जादू के वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या, मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये ताबीज तो कमाल की है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और देखकर वो दंग रह गया। और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे छल कपटियों की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। कई साल पहले की बात है, उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी मुझे जलेबियाँ खिलाकर, इसीलिए मैंने ये उपकार किया। अब जब भी कोई उनकी दुकान की पनीर जलेबियाँ खाएगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे क्षमा करना बाबा, मेरे मन में पाप बस गया था। और वैसा ही हुआ, उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत ज्यादा चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बहुत खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे। गुड़िया के पिता तेल बेचने का काम करते थे। गुड़िया रोजाना अपने पिता रोशन को तेल में मिलावट करते देखती। पिताजी, आप ये तेल में रोजाना क्या मिलाते हैं? बेटी, मैं तेल में एक केमिकल मिलाता हूँ जिससे एक लीटर तेल 10 लीटर बन जाता है और हमें ढेर सारा मुनाफा होता है, इसी तरह पैसे कमाए जाते हैं। आप उसे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं? मैंने 50 बार कहा है कि मेरी बेटी को ये उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो। ईमानदारी से काम करने में तुम्हें क्या परेशानी है? 4 पैसे कम आएंगे लेकिन संतुष्टि से तो रह पाएंगे। अरे तुम अनपढ़ हो, तुम क्या जानो दुनियादारी? जब जेब में पैसे होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे संतुष्टि हो या ना हो, पैसों के बिना सब बेकार है। तुम अपनी संतुष्टि का अचार डाल लो कि मेरी बेटी मेरे सिद्धांतों पर ही चलेगी। पिताजी, मैं बड़ी होकर जलेबियाँ बेचना चाहती हूँ, मुझे जलेबियाँ बनाना बहुत पसंद है। हाँ बेटी, तुम जरूर जलेबियाँ बेचना, लेकिन मेरे तरीके से, फिर तुम्हें अमीर होने में देर नहीं लगेगी। नहीं गुड़िया, तुम ईमानदारी से जलेबी बेचना। कुछ दिनों बाद गुड़िया की माँ बहुत बीमार हो गई, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब गुड़िया की माँ अस्पताल से घर लौटी तो गुड़िया के पिताजी बोले, अब कहो गुड़िया की माँ, अगर मैंने तेल में मिलावट करके पैसा कमाया होता तो क्या मैं तुम्हारा इलाज करा पाता? क्या जरूरी है कि अगर तुम मेरा इलाज ना कराते तो मैं ठीक नहीं हो पाती? ईश्वर चाहता था कि मैं ठीक हो जाऊँ, इसीलिए मैं ठीक हो गई, तुम्हारे पैसों की वजह से नहीं। कुछ वर्षों बाद रोशन दुनिया छोड़कर चला गया और गुड़िया बड़ी हो गई। माँ, मैं जलेबी की दुकान खोलना चाहती हूँ, वैसे भी मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा।
गुड़िया ने अपनी जलेबी की दुकान खोली क्योंकि गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए लोग उसकी जलेबियाँ खाने खिंचे चले आते। आप बहुत सुंदर हैं और जलेबियाँ भी बहुत अच्छी बनाती हैं। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब जल्दी जलेबी के भी पैसे दे दो। गुड़िया की दुकान से जो भी कमाई होती वो उसे अपने कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने में लुटा देती। गुड़िया तुम जितना कमाती हो कम से कम उसका एक तिहाई हिस्सा बचाया तो करो, वरना भविष्य में तुम्हें परेशानी हो सकती है। गुड़िया अपनी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। धीरे धीरे गुड़िया की जरूरतें बढ़ती जा रही थी। पड़ोसी डॉली ने अपनी स्कूटी खरीदी है, अब मैं भी अपनी स्कूटी खरीदूंगी, लेकिन स्कूटी खरीदने के लिए चाहिए पूरे 50,000। ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत चालाकी करनी पड़ती है। जलेबी के सामान में मिलावट बढ़ानी पड़ेगी, वैसे भी लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं, मैं कितनी भी मिलावट कर लूं, वो मुझसे बातें करने तो आएंगे ही। गुड़िया ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मैदा, घी, चाशनी हर सामान में खूब जमकर मिलावट की। वो ऊपर से जलेबी पर देसी घी का स्प्रे कर देती और लोगों से कहती, मैंने शुद्ध घी में जलेबियाँ बनाना शुरू की हैं, इसीलिए जलेबियों के पैसे थोड़े ज्यादा देने होंगे। देसी घी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए पैसे देने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। गुड़िया की माँ जब गुड़िया को सामान में मिलावट करते हुए देखती तो वो उसे टोकती, गुड़िया इस तरह तुम्हें सामान में मिलावट नहीं करनी चाहिए, अगर किसी दिन किसी गांव वाले को पता चल गया तो तुम बुरी फंस जाओगी। कुछ नहीं होगा माँ, तुमने अपने खर्चे जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिए हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ रही है। खर्चे कम करो और ईमानदारी से जलेबियाँ बनाओ। माँ अब आप मुझे अध्यापिका की तरह लेक्चर मत दो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आखिरकार गुड़िया ने अपने लिए स्कूटी खरीद ली। अगले दिन जब वो स्कूटी चलाने के लिए जा रही थी तो गांव का प्रधान उसके घर आया। मेरे बेटे ने तुम्हारी जलेबियाँ खाई थी, उसके बाद से उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूँ, तुम्हारी जलेबियों की जांच होगी, मैंने शहर से टीम बुलाई है। गुड़िया की जलेबियों की जांच की जाती है और जांच करने वाले जलेबियों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। ऐसी अशुद्ध जलेबियां मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी, सभी गांव वाले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अभी तक आप लोगों का बहुत नुकसान हो चुका होगा। हर गांव वाला गुड़िया पर थूकता है। गुड़िया और उसकी माँ का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। मुझे माफ कर देना माँ, काश मैंने आपकी बात मान ली होती, मैं पैसे कमाने के लिए अंधी हो गई थी, अगर मैं आपके बताए ईमानदारी के रास्ते पे चली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितना रोल कपड़ा निकला? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक मूर्ति पिछले हफ्ते लेट आ रहा था, इस वजह से वो हो सकता है। ऐसा? वो क्या इस कारखाने को अपने बाप का समझता है? जब मन किया मुंह उठाए चले आए, उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है मालिक। हालांकि सच ये था कि ना ही मूर्ति लेट आया था और ना ही उसने काम कम किया था, काम चोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसका कारण था उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश अपने फोन पे वीडियो देखते बैठा रहता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े का उत्पादन कम हुआ तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी बस 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति लेट आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उसे बोल दो घर जाने के लिए, कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम किसी दूसरे आदमी को ढूंढो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे,
ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अयो, पर ऐसा क्यों? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जी? गलती नहीं हुई, बस अब काम घटने वाला है तो मालिक ने लोग भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पर तुम डरो मत, मैं तुझे कहीं और नौकरी दिला दूंगा। मूर्ति चिंतित हो गया, अब उसके परिवार का क्या होगा? अचानक नौकरी जाने से उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी, आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बहुत पसंद है ना? अयो, अब डिब्बे की कोई जरूरत नहीं जी। क्या मतलब जी? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया है। अयो, पर क्यों जी? मालिक को लोग कम करने थे, इसलिए मुझे निकाल दिया। अयो, अब क्या होगा? अयो, मुकेश भाई ने बोला है कि वो कहीं और नौकरी ढूंढने में मेरी मदद करेगा जी। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी नौकरी मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों उदास थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कैसे भरेंगे, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। अगले दिन मूर्ति कई जगह गया काम की तलाश में, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसके हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में भी गया, पर कोई फायदा नहीं। क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे नहीं जी, हर जगह वही मारा मारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा व्यापार कर लीजिए। अयो, व्यापार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, पर उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए जी है। क्या हम मिलकर कुछ काम कर सकते हैं जी? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ करते रहते हैं, क्या हम लोग मिलकर डोसा बेच सकते हैं? वैसे सुझाव बुरा नहीं है जी, डोसे का ठेला डालने में खर्चा भी कम होगा और आमदनी भी होगी है। कुछ नहीं करने से तो यही अच्छा है जी है? अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले दिन गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसे का स्टॉल लगा लिया। हे भगवान, हमारी मदद कर। स्टॉल खुलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? हाँ हाँ, और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बहुत खुश थे, पहले ही दिन उनका डोसे का व्यवसाय चल पड़ा था। अभी डोसा एकदम मस्त बना है। हाँ हाँ, वाकई में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो बहुत खुश थे। वो अपनी बच्ची के लिए चॉकलेट ले गए थे। ये देखो नंदनी, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए जी। अरे चॉकलेट। नंदनी ने पापा के हाथों से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किसी भी दी। मूर्ति आज बहुत खुश था। अयो पुष्पा, आज हमने 1,000 रुपए कमाए हैं जी। बाप रे, इतने? अब रोज मूर्ति नोट गिना करता था, जल्द ही उनकी गरीबी दूर होने वाली थी। अगले दिन जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे रे रे, सेठ जी आप यहाँ? हाँ, तुझसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, पूरे गांव को बुलवाया है। क्या तू इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाएगा? लेकिन याद रखना, मेरा कोई भी मेहमान बिना डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। लगभग 1,000 लोग तो होंगे ही, और सबको तेरा स्पेशल मसाला डोसा ही पसंद आएगा। याद रहे, लड़के वालों के सामने मेरी नाक ना कटे। ठीक है सेठ जी है? एक मसाला डोसा के 20 रुपए, तो लगभग 1,000 के हुए 20,000 रुपए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 10,000 रुपए दे दिए। ये 10,000 एडवांस है
और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से चले जाने के बाद 1,000 मसाला डोसे मैं कैसे बनाऊंगी? अयो, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए जी। पर फिर भी 1,000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के लिए। सोचो कोई ऊंच नीच हो गई तो। शादी में अभी एक हफ्ता है, हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। एक दिन के हमें 20,000 रुपए मिल रहे हैं, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरीके ढूंढने लगे जिससे वो लोग 1,000 डोसे कुछ ही घंटों में बना सकें। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले रखे तो? तब भी एक बंदा एक घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कुछ और है सोचता हूँ जी। अब सेठ की बेटी की शादी में बस एक दिन बचा था। अब भी मूर्ति और पुष्पा तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग 1,000 डोसे बना सकें। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाएं तो? अयो, सुबह तक तो सब ठंडे हो जाएंगे जी, और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे भगवान, अब तू ही हमारी मदद कर। और तभी उनके सामने तेज प्रकाश के साथ भगवान जी खुद प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके साक्षात दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये जादुई मसाला डोसा, इसे शादी में ले जाओ और 1,000 डोसे बनाने का आदेश दो। मिनटों में ये 1,000 डोसे तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने माथा टेका और भगवान जी अदृश्य हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले दिन मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुँचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आना शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े। ए जादुई डोसा, हमारी मदद कर, हमें 1,000 मसाला डोसे दे दे। और कुछ ही पलों में उसके सामने 1,000 मसाला डोसे थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा थमा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गर्म है और बहुत ही स्वादिष्ट भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बहुत खुश हुआ। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 देने थे पर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बहुत खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़े बड़े शादी और पार्टीज के ऑर्डर लिए और कुछ ही दिनों में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई।